अब जल्द परमेश्वर उसकी 1 लाख सैलरी कर देगा, मुझे पता है। मोगा के जिस सिस्टर का नाम जस्सी है और इनकी गवाही जे बता रहे हैं कि इनकी बहुत चाहती कि जब जे इस समय कहाँ पे, ये भी बताओ, जिस समय सिंगापुर में, और इनकी बहुत चाहती कि परमेश्वर इनको जॉब दे। और जब जे शुरू में इस मीटिंग में आए थे तो परमेश्वर ने इनकी चाहत को पूरा किया और परमेश्वर ने इनको जॉब दी और अभी जे सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं। और जे बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा रुकावट तो आई थी, पर जैसे जे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहे, प्रभु के दास के साथ बात करते थे, और जे बता रहे कि जैसे प्रभु के दास इनको उत्साहित करते रहे और इनका विश्वास बढ़ता ही गया। और जे बता रहे कि कुछ दिन पहले भी, कुछ दिनों की बात है कि जे बता रहे कि इनकी फिर से जॉब छूट गई थी, और जैसे इन्होंने 5 जून की मीटिंग में भी इन्होंने गवाही दी थी कि परमेश्वर ने फिर से इनको जॉब के साथ ब्लेस किया है, और जो इनकी सैलरी है वो भी 50,000 हो गई थी। और इन्होंने विश्वास किया था, चाहत की थी कि परमेश्वर आप मुझे इस भवन के लिए इस्तेमाल कर चुके हो, और मेरी चाहत है कि मेरी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपया हो चुकी है, ताकि मैं परमेश्वर अपने से इस चाहत की, मेरी चाहत है कि जो इस भवन की जो लेना है, मैं परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करें। और जैसे जी चाहत में बनी रही, विश्वास करते रहे, और आज ये बता रहे कि इन्होंने बताया कि जैसे 5 जून की मीटिंग में प्रभु के दास के द्वारा जो बता रहे कि प्रोफेटिक वर्ड आया कि परमेश्वर बहुत जल्द ही आपकी जो सैलरी है 1 लाख हो जाएगी। तो जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया था, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। सुना भवन के लिए परमेश्वर मुझे क्या कर, इस्तेमाल कर, मेरे पास है नहीं है, मेरी मेरी जॉब मेरी 5-6 हजार है, पर मैं चाहती हूं तेरे भवन के लिए, काम के लिए। तो कितना दिया, 100 से भी बढ़कर। अब जल्द परमेश्वर उसकी 1 लाख सैलरी कर देगा, मुझे पता है। हाँ, यहां पे 6 हजार है, अगर वो लाख होगी तो 70 भी परमेश्वर के घर में देगी ना। 30,000 उसके घर के लिए बहुत है, 30,000 रुपया उसके घर के लिए थोड़ा है। जो 6,000 रुपया कमा रही थी, अब वो घर में 30,000 दे रही है, कितने गुना, 3 गुना ज्यादा। किसके वचन को पूरा करने से, किसकी, किसको अपना जीवन देकर, समझ आ रही है। लोग कहते मैं जी उस दिन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे और उस दिन इनकी गवाही भी दी गई थी, और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से प्रोफेटिक वर्ड्स आए, इन्होंने ऑनलाइन रिसीव किया और जी धन्यवाद करते रहे। और जी बता रहे कि अभी 1 महीने से सिर्फ 5 दिन हुए, तो परमेश्वर ने 1 महीने में इनकी गवाही भी बना दी, जो इनकी सैलरी 50,000 थी पहले, और अभी 1 लाख रुपया हो गई है। और जी बहुत खुश है कि परमेश्वर ने मुझे अपने भवन के लिए इस्तेमाल किया है, और जी बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जैसे आपने मुझे इस्तेमाल किया है, सच में आप जिसकी भी जरूरत है आप सबको इस्तेमाल कर चुके हो। और जी सिस्टर बहुत ही खुश है, और जी प्रभु के दास का भी बहुत सर धन्यवाद करते हैं, और इन अपनी गवाही के लिए जो धन्यवाद करते हैं, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया पूरी जोर से। सुनो, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे भी इस रीति से यूज करे, इस्तेमाल करे, मुझे प्लस करे, ऊंचा करे, जो ऑनलाइन है, कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं, मैंने कहा कितने लोग चाहते हैं। पर बाइबल कहती है कि जो लोग विश्वास करते हैं, कर्म बिना, बाइबल कहती है विश्वास मरा हुआ है। इसने अपने विश्वास के साथ साथ कर्म भी किया। बोलो क्या किया, जब ये पहली बार इस चर्च में आई, ये सिस्टर मोगा के रहने वाले, मोगा सिटी के, जब ये पहली बार चर्च आए तो इसने सुना कि ये जो जगह जिसमें हम संगति करते, ये रेंट पे, किराए पे, तो मैंने कहा था कि ये किराए पे हमने लेनी है, तो इसने सुना था। तब ये मोगा में एक प्राइवेट जॉब करती थी, 6,000, कितनी, 6,000 सैलरी पे, प्राइवेट, सुनो ध्यान से। तो इसने ऐसे परमेश्वर से चाहा कि परमेश्वर मुझे यूज कर, मेरे पास इतने तो है नहीं कि मैं तेरे भवन के लिए इतने दे पाऊं, सुनो ध्यान से। तो इसने ऐसे परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर मुझे यूज कर, इस्तेमाल कर।
और थोड़े दिनों के बाद ही ऐसे इसने एक वीजा अप्लाई किया। परमेश्वर ने बहुत जल्द इसका रास्ता खोला। इसका एक 10 रुपए भी नहीं इसके लगे, वीजा भी टिकट भी उधर से सिंगापुर से सब कुछ फ्री, और खुदावंद लेकर गया। पर वहां पे यहाँ पे ये पहले जॉब कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम होगी जॉब शूट की, ये बहुत ऐसे अपसेट होगी, ये निराश होगी। हाँ, मैंने तो बड़े विश्वास से मैं आई थी कि खुदावंद मैं तेरे लिए यूज होना चाहती हूँ, तेरे लिए तेरे भवन के लिए मैं इस्तेमाल होना चाहती हूँ। तो ये उसकी जॉब शूट की, मैंने फिर से उत्साहित किया, बताया, मैंने कहा नहीं। फिर परमेश्वर ने अच्छा किया, जो पहले जॉब थी जब दूसरी जगह मिली तो उससे बढ़कर पैसे मिले। क्या मिले? पर वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी होगी। क्या होगी? वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी होगी। ये फिर निराश हुई, क्या मुझे दूसरी जगह मिली, अब दूसरी जगह से भी लगता मुझे वापस इंडिया आना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, आप किसके काम के लिए गए हो? आपको परमिशन लेकर गया है। अगर आप पहले ही आपको वहां से आप फ्री हुए, आप दूसरी जगह आए हो, तो आप यहां से भी अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा सोच के रखा। निराश मत हो, क्या हो? निराश मत हो, क्योंकि और भी अच्छा खुदा ने सोच कर रखा है। समझ आ रही है? जैसे कुछ अपनी प्रॉब्लम के कारण कुछ लोग निराश हो जाते हैं, ये नुकसान क्यों रहा है? क्योंकि हर दुख के बाद, हर हालात के बाद खुदावंद की बड़ी महिमा प्रकट होती है, जैसे इसके जीवन में हुई। हाँ, देखो वहां पे 50 होगी और 50,000 वाली भी पहले खुश थी, अब मेरी 50 होगी, पर 50,000 वाली भी छूट की, पर खुदावंद उससे भी ज्यादा। अब तीसरी जगह पर लेकर गया खुदावंद, तीसरी जगह पे, और एक ऐसी फैमिली खुदावंद ने थी, बोलो क्या है, ऐसी जो जैसा ये चाहती। अब इसने उस फैमिली से बात की, मैं बाहर भी काम कर सकती हूं, क्योंकि अगर वहां पे बाहर काम करना है तो वहां पे एक ओपन वीजा चाहिए। क्या चाहिए? ओपन वीजा, जिसके कम से कम $50,000 में भी, अगर हम उस 50,000 की कैलकुलेशन करते हैं तो 2,80,000 रुपया इंडिया का पहले देंगे, फिर वो ओपन वीजा अम्बेसी देगी, फिर ये ओपन वीजा में ये फिर अलग अलग काम कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते। समझ आ रही है? 2,80,000, 50,000 सिंगापुर का डॉलर देना पड़ेगा। इसका कुछ भी नहीं लगा, मैंने कहा इसका कुछ भी नहीं लगा, और अब खुदावंद ने इसे ब्लेस किया है। उस फैमिली ने कहा ठीक है, तू बाहर भी कर, हमारे काम के साथ साथ आप बाहर भी करो, और 1,00,000 से भी प्लस खुदावंद ने इसे ब्लेस कर दिया है। 1,00,000 से भी ज्यादा, मैंने कहा इसको ब्लेस कर दिया है, क्योंकि जब हम खुदावंद के लिए मन बनाते हैं, अरे हम अपने आप से, मैंने बहुत काम, हम क्या दे सकते हैं? हम तो उसके दिए हुए से देते हैं, और बाइबल कहती है परमेश्वर कभी भी किसी का रखता नहीं है। आप बाइबल पढ़ो, 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय, उसमें लिखा पहले वो 20 बोने वाले को 20, फिर वो रोटी देता है, पहले सबसे पहले आपका 20 वापस देता है। समझ आ रहे हैं? इसने तो मन बनाया खुदा के लिए, अगर कोई करे ना करे परमेश्वर मुझे अकेले को यूज कर, अगर कोई दूसरे नहीं कर रहे तो मुझे अकेले को यूज कर। जब परमेश्वर के लिए जो लोग मन बनाते तो सच में उसे यूज कर। देखो, 6,000 ब्याह कमाने वाली औरत 1,00,000 से भी ज्यादा कमा रही है वहां से। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे भी ऐसे यूज करे, मुझे भी इस्तेमाल करे? फिर अपने पड़ोसी को बोलो, मैंने कहा फिर अपने पड़ोसी को बोलो ऐसा विश्वास कर। हाँ, तू भी अपने मन को इस रीति से खुदा को बोल कि मुझे भी यूज कर, मुझे भी इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद मैं भी तेरे काम के लिए यूज हूं, इस्तेमाल हूं। करते हो विश्वास? करते हो? अगर चाहते हो तो परमेश्वर भी चाहता है। मैंने कहा अगर आप चाहते हो तो परमेश्वर भी चाहता है। अरे परमेश्वर भी चाहता है, और मैं विश्वास करता हूं इस गवाही के साथ वो आपको भी यूज कर चुका है। अगर आप तैयार हो तो आपको वो इस्तेमाल करने के लिए, मैंने कहा वो तैयार है, मैंने कहा वो तैयार है। आमीन।
तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। मौजा दितिया ना तू मेरी जिंदगी च नासरी, मौजा दितिया ना तू मेरी जिंदगी च नासरी। हो दिते दिन बदला, दिते दिन बदला तू मेरी जिंदगी च नासरी। मौजा दितिया ना तू मेरी जिंदगी च नासरी, मौजा दितिया ना तू मेरी जिंदगी च नासरी। मौजा दितिया ना तू मेरी जिंदगी च नासरी। आमीन।